गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा फेस मसाज जो आपकी एंटी एजिंग की तरह आपके फेस पर काम करेगा। आपको किसी भी महंगे सलून में जाने की जरूरत नहीं, कोई महंगे फेशियल करवाने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पर आई हुई फाइन लाइन रिंकल्स दूर हो जाएं, या फ्यूचर में जब आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आप चाहते हैं आपके चेहरे से आपकी एज का पता ना लगे, तो आज के मेरे स्टेप्स जरूर फॉलो करें। ये बिना पैसा खर्च करे आपको रिजल्ट इतना बेहतरीन देगा और लॉन्ग टाइम तक देगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। बस रोजाना रात को सोने से पहले मेरे बताए हुए तरीके से आपको मसाज करनी है, वो भी सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ से, और उसके बाद उसका रिजल्ट देखना। अगर आपकी एज 22 साल की है या 15 साल की है तो भी आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्किन पर नेचुरली ग्लो लेकर आ सकते हैं। यह आपके रिंकल फाइन लाइंस को तो दूर करेगा ही, साथ में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, पिगमेंटेड हो गई है, सनबर्न आ चुका है, या फिर आपकी स्किन एकदम से मुरझाई हुई लगती है, बेजान लगती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। आपकी स्किन एकदम से ग्लो करेगी और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको दिखने वाला है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है हमदर्द का बादाम रोगन श्रीम। वैसे मैं बादाम रोगन आपको सजेस्ट करूँगी, पर्टिकुलर कोई ब्रांड का नहीं है, हो सकता है पतंजलि का यूज़ करें या किसी भी ब्रांड का। बट आपने मेन चीज़ क्या याद रखनी है, जो हेड वाला ऑयल है वो आपने फेस पर अप्लाई कभी भी नहीं करना, ठीक है। तो ये वाला ऑयल है, ऑलमोस्ट मेरी बॉटल ख़त्म हो रही है क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। आपको भी 1 month तक इसको रेगुलर यूज़ करना है। अगर आप लोग भी अपने फेस से फाइन लाइन रिंकल्स डेड स्किन को हटाना चाहते हैं या फिर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग आ चुकी है तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगी। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ना, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, आपके फेस पर एक अलग सा ही ग्लो होगा जब आप इसको मसाज करेंगे और 15 minutes देंगे। जब पूरी रात सोएंगे देन उठेंगे तो आप सब लोग आपसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्या अप्लाई करें कि आपका फोरहेड एरिया, आपका नोज एरिया इतना शाइन करेगा नेचुरली। तो चलिए बिना और ज़्यादा टाइम वेस्ट करें देख लेते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। हम ले लें बहुत थोड़ा सा ऑयल लेंगे, यहाँ पर बहुत स्लाइटली सा ऑयल लेना है हमें। उसको इस तरीके से ना अपने पाम पर रब करना है ताकि वो थोड़ा सा वॉर्म हो जाए। आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको लिफ्ट करना है। हमारे आईज़ के यहाँ पर रिंकल्स आने लगते हैं, यहाँ पर आपके आपने देखा है बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस आने लगती हैं, हमारी स्किन बहुत पफीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, डल हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो पहला टारगेट हमारा क्या है, आईज़। इसके लिए हम इस तरीके से मसाज करेंगे। यहाँ से जब हम दोनों हैंड्स अप लेकर जाएंगे वो होगा 1 step। हमें इस साइड करना है 10 sides, अदर साइड भी हमें 10 sides करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे जब आप अपनी स्किन को लिफ्ट करते हैं तो इससे आपकी आई स्ट्रेच होती है और यहाँ पर फाइन लाइंस की प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसी सेम हमें अदर साइड पे करना है 10 times। डन, ठीक है, ये वाला एरिया हमने कवर करा। अब हमें क्या करना है, हमारे नेचुरली चिक्स ना जब हम स्माइल करें तो हमारे चिक हाइलाइटेड हो, ठीक है। जो हम कंटोरिंग करते हैं गर्ल्स, तो जब हम नेचुरली लिफ्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमारा फेस स्माइल करते टाइम, है ना। तो हमें इस तरीके से अपनी फिंगर से ये शेप बनानी है, फ्रंट फिंगर की ये होगी, थंब की ये होगी। हमें इसको इस तरीके से यहाँ प्लेस करना है, ऐसे लेके जाना है ऊपर की तरफ। ऐसा हमें कितनी बार करना है, 10 times करना है। 10 times हमें राइट साइड, 10 times ही हमें लेफ्ट साइड करना है। आप पोजीशन देख लीजिए, ये वाली आपकी पोजीशन होगी। डन, आप अदर साइड पे सेम यही पोजीशन। अगर आपको ऑयल कम फील हो रहा है तो आप और भी एक्स्ट्रा ऑयल ले सकते हैं अपने फेस के लिए, वैसे इतना इनफ है।
डन, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रेशर दिया, यहाँ कंप्लीट होता है। अब हमारा एक और स्टेप हमें फॉलो करना है, तरीके से अपलिफ्ट करके मसाज करनी है। इससे क्या होगा, आपके पूरे फेस पर जितने भी हम मसाज स्टेप्स कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है। 10 times सेम। डन, अदर साइड पे। डन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो हमारा फोरहेड एरिया होता है, यहाँ पे भी हमारे रिंकल्स आने लगते हैं, फाइन लाइंस आने लगते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है ऐसे करके बात करते हैं। तो जब अपने फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा देते हैं ना, तो वहीं हमारे लाइंस पड़नी स्टार्ट हो जाती है, या एक्सरसाइज के टाइम बहुत लोग अपने फेस को स्क्वीज कर लेते हैं। तो हमेशा हमें फेस पे स्माइल रखनी चाहिए और कम फेसेस क्रिएट करने चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है, 2 fingers लेनी है, इसको हमें 20 times करना है। ठीक है, 20 टाइम्स आपने यहाँ पे करा। अब बारी आती है लास्ट मसाज की। इसके लिए आपको अंडर आई एरिया में इस तरीके से बहुत जेंटली आपने यहाँ से ऐसे करते हुए प्रेशर देना है, ठीक है। इससे आपकी जितनी भी आंखें धंसी हुई हैं, पफिनेस की प्रॉब्लम है, या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, आपकी फाइन लाइन्स आनी बंद हो जाएंगी, आपकी आँखें बहुत सुंदर हो जाएंगी। तो चलिए इसको भी फॉलो करते हैं। आपको लेफ्ट साइड, 10 times ही आपको राइट साइड, इसको फॉलो करना है। आपने इसको फॉलो करने के बाद आपने अपर लिप पे भी ना हल्का हल्का हाथों से मसाज करना है, जिससे कि आपकी ऊपर की जो आईलेट है उस पर जो डार्कनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। डेली रात को सोने से पहले फॉलो करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सुबह फॉलो करेंगे इस चीज़ को, तो जितना जो हम ऑयल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट इम्प्योरिटीज़ हमारे फेस पर आ जाती हैं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। पहले अपने घर पर आना है, फेस को अच्छे से वॉश करना है, देन मसाज करके आपको सो जाना है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है, या कोई भी माइल्ड फेस वॉश आपको यूज़ करना है। गाइस, तो आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा फेस मसाज बहुत पसंद आया होगा। इसमें आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं, खुद अपने हाथ से आप अपने चेहरे को चमका सकते हैं और उसका ग्लो खुद देख सकते हैं। इमीडिएटली आपको इसका ग्लो रिजल्ट दिखा होगा अपने फेस पर, अगर आपने इसको फॉलो किया होगा। नहीं किया तो देरी मत करो, अभी फॉलो करो। और इसके साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishamehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है @healthtime। तो चलिए, ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।